तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानी बाबा में। आज दोस्तों हम KRTC वर्सेस SGH मैच कवर करने वाले हैं, जो कि लगभग 14 घंटे के बाद हैं, जिसके बाद आपको ड्रीम इलेवन के अंदर टीम लेना और प्लेयर स्टेटस और प्लेइंग इलेवन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना क्रिकेट की सभी टीम पाने के लिए। तो दोस्तों चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों KRTC वर्सेस SGH का मैच है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी टीम ज़्यादा मैच जीती है, कौन से प्लेयर बेस्ट हैं। तो दोस्तों हम ये मैच जून 1, 2021 को रात को होने वाला है, जो कि आज रात को है। दोस्तों मैं आपको इसके अंदर प्लेयर स्टेटस की प्लेयर ऑफ KRTC वर्सेस SGH और ड्रीम इलेवन टीम सिक्योर्ड और बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर एंड बैट्समैन के बारे में बताऊंगा और बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये काल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा मैच। तो दोस्तों इसमें पिच रिपोर्ट की बात करें तो काल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इसमें बैट्समैन ज़्यादा चलते हैं, वो भी सेकंड इनिंग के अंदर। तो दोस्तों हम टॉस जीतने के बाद जो भी बाद में खेलेंगे उसके बैट्समैन अधिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पिनर को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, तो हम अपनी टीम के अंदर स्पिनर सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एवरेज 110 का रहता है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बैट्समैन अधिक सेलेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों हम प्लेइंग इलेवन की बात करें KRTC की, तो इसमें रहने वाले हैं आदिल सफदर, इसके बाद हैं महादुरा, इसके बाद हैं मुकराब जाहिद। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये कुछ प्लेयर हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी KRTC की प्लेइंग इलेवन ये रही, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये SG की प्लेइंग इलेवन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टॉप प्लेयर्स की, तो जिसमें दोनों टीमों के हैं KRTC वर्सेज SG के, जिसमें हैं शाहपुल्ला रसोली, जिसने 7 मैच में स्कोर है उनका 38 और 9 विकेट लिए हैं। इसके बाद है मुहर्रब अली जाहिद, जिसने 7 मैच के अंदर 97 रन और 2 विकेट लिए हैं। इसके बाद है अजीम अजान, जिसने 7 मैच के अंदर 130 रन और 14 विकेट। दोस्तों ये मोस्ट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। अब हम बात करें अटिल लापिट की, तो 8 मैच के अंदर 81 रन और विकेट 7 लिए हैं, यह भी मोस्ट प्लेयर हैं। इसके बाद हम बात करें सिराज हुसैन शाह पुल, जिसने 7 मैच के अंदर 9 विकेट लिए हैं। इसके बाद हैं अदनान नूरुद्दीन, जिन्हें 9 मैच के अंदर 67 रन बनाए हैं। दोस्तों HTC की बात करें तो इसमें ये मोस्ट प्लेयर है सेडिनुल्ला सिनवारी, सारिजा सहा, विहांग सोजी। इसके बाद है बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलर ऑफ दिस मैच के, जिसमें है अटिल लाठी जो कि मोस्ट प्लेयर है। इसके बाद है मुदस्सर इकबाल और साजिद हुसैन शाह। इसके बाद है अदिल सफदर, देनिस जाहिद। अब बेस्ट परफॉर्मेंस बैट्समैन की बात करें तो जिसमें है साकिबुल्ला सिनवारी, साफी रहमान, जारिफ गुल महमूद। इसके बाद है अदान नूरुद्दीन, विहांग साहूजी। तो ये दोस्तों कुछ प्लेयर हैं आप देख सकते हैं।
अब हम दोस्तों चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, जहाँ की आज हमारी टीम रहने वाली है। तो दोस्तों हमने विकेट कीपर के अंदर लिया है सी पगड़े पोला, जो कि 74% सेलेक्ट कर मोस्ट प्लेयर है। अब हम बात करें बैट्समैन की, तो बैट्समैन हमने तीन सेलेक्ट कर लिए हैं। पहले हैं एस सिनवारी, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट प्लेयर है तीनों। इसके बाद है एस रहमान, इसके बाद है जेड गुल मोहम्मद। अब हम ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों पहले हैं ए आजम, इसके बाद हैं आर बरका जी, और इसके बाद हैं एम चामिंडा। तो दोस्तों हमने तीन ऑलराउंडर सेलेक्ट के लिए, अब हमने चार बॉलर सेलेक्ट किए हैं। पहले हैं ए लाटिप, जो कि 28% सेलेक्ट है और मोस्ट प्लेयर हैं आपके लिए। इसके बाद है एम इकबाल, इसके बाद है ए सफदेर और एस हुसैन शाह। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो दोस्तों कैप्टन हमारे रहने वाले हैं कैप्टन रहेंगे हमारे एस रहमान, और वाइस कैप्टन हम अपनी टीम के अंदर रखने वाले हैं एम चामिंडा को। तो दोस्तों मेरी टीम कुछ इस प्रकार रहेगी, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी ड्रीम इलेवन के अंदर लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।